हेलो स्टूडेंट्स, हम आज फर्स्ट यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पढ़ा, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज हम पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, हमने क्या एक्सियल पे भी निकाल लिया, इक्वेटोरियल पे भी निकाल लिया, मतलब कि ये डाइपोल है हमारा, तो इसकी एक्सियल लाइन एक्सिस के अलोंग भी निकाल लिया, इसके परपेंडिकुलर भी अगर कोई पॉइंट हो तो दोनों पे निकाले। हम हमारा दिया हुआ है, अगर हमारा कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी कोई भी, मतलब कि मान लो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कहीं भी पॉइंट दे दिया इक्वेटोरियल और एक्सियल के अलावा, तो हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? हमें एक्सियल पर पता है और इक्वेटोरियल पर पता है, अब हम निकालेंगे एट एनी पॉइंट। तो क्या करेंगे? सबसे हमें पहले डाइपोल कंसिडर कर लिया, ये मान लिया माइनस क्यू चार्ज, ये क्या हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी लेंथ क्या हो गई हमारी 2a से डिनोट कर रहे हैं हम, तो ये इसका ओरिजिन मान लिया O हमारा। तो क्या हो गया, ये हमारी a हो गई और ये हमारी ये भी a हो गई। तो हम क्या निकालना, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट P निकालना है, किसी भी पॉइंट, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, सिर्फ इक्वेटोरियल और एक्सियल पे नहीं, क्योंकि उन दोनों पे हम निकाल चुके हैं। हमने मान लिया हमारा पॉइंट P यहाँ पे कंसिडर कर लिया हमने, पॉइंट पी, ये क्या है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या मान ली हमने, एक्स मान ली, और जो ये एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है ये थीटा। अभी थीटा किस डायरेक्शन में होगा वो भी देखना हमें, जैसे हमें कोई क्वेश्चन, पहले थीटा देखो कैसे होगा हमारा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका मोमेंटम किस साइड होगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है हमारी, माइनस से प्लस, तो इसकी डायरेक्शन मोमेंटम की क्या होगी हमारी, पी की डायरेक्शन ये होगी। तो हमारी थीटा की डायरेक्शन होगी पहले P, P की डायरेक्शन है उससे फिर एंटी क्लॉक वाइज जाएगी, ठीक है। अगर हमारा डाइपोल ये होता, माइनस क्या हो इधर प्लस क्या हो, तो इसकी मोमेंटम इसका किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस होता है मोमेंटम, मोमेंटम की डायरेक्शन, तो जब हम थीटा लेंगे वो लेंगे इधर से एंटी क्लॉक वाइज जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं, हमें ये डाइपोल दे रखा है, आपको इस पॉइंट पे पूछ लिया पी पे, तो नहीं ये इसका सेंटर होगा, इससे लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये थीटा नहीं लेना, थीटा होगा हमारा ये वाला थीटा लेंगे, ना कि ये वाला थीटा लेंगे। थीटा हमेशा कंसिडर करना, हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन आ रही है, उसकी डायरेक्शन इसकी इस साइड है, इसकी इस साइड है। अब जहाँ पे इसकी डायरेक्शन उससे एंटी क्लॉक वाइज जाना है, इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसकी डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज जाना है, वो हमारी होगी थीटा की डायरेक्शन। पॉइंट पी पे ये क्या क्या है, पॉइंट पी अगर हम इधर ले लेंगे तो हमारे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, चाहे हमें अब कभी भी इसका डेरिवेशन निकालने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे हमें यहाँ पूछी हो, चाहे हमें यहाँ पूछी हो, कहीं भी पूछी हो, थीटा की वैल्यू होगी हमारी, एक्स की वैल्यू होगी, हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल पे हमें पता है, तो हम अब निकालते हैं एट एनी पॉइंट पर। हम इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, हमें क्या पता है एक्सेल की, पता है इक्वेटोरियल की, पता है। अब हम इसके कैसे निकालेंगे, हमें तो पता नहीं क्या, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं इसका डायरेक्ट, हमें एक्सेल की और इक्वेटोरियल की पता है, उन दोनों का यूज करके हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब कि ये डायरेक्शन होगी, ये क्या थीटा एंगल बना रही है इसके साथ। तो क्या करते हैं हम, जब कोई हमारा जैसे ये वेक्टर है, ये थीटा एंगल बनाता है, तो क्या करते हैं उसको कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, ये इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, तो जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता है वो कौन सा, उसका कोस कंपोनेंट आता है, तो इस तरफ इसका क्या आएगा, पी कोस थीटा आएगा, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आएगा ये वाला कंपोनेंट, ये क्या आएगा इसका पी साइन थीटा कंपोनेंट आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो इस डायरेक्शन में, ये इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जब भी हमारा कोई वेक्टर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, मतलब थीटा नहीं कुछ भी एंगल बनाता है, तो उसको हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेते हैं। कैसे कहते हैं, जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है उसको कोस थीटा कंपोनेंट आता है, और फिर इस चीज के कोस थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा आता है, हमारा साइन थीटा कंपोनेंट आता है, तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा, पी का पी कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा पी साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, हमारे डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट आ गए, पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे डायपोल कंसिडर करें, पहले देखें अगर हमारा यहाँ पे एक डायपोल मान लें ये वाला, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा। डायपोल क्यों मानेंगे, ये हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये पी कोस थीटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है,
डाइपोल मोमेंट कब आएगा? जब हमारा डाइपोल होगा तभी तो डाइपोल मोमेंट आएगा। तो इसका क्या मतलब, हमारा डाइपोल मोमेंट इस साइड है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा कोई डाइपोल है, हमने यहाँ पे एक डाइपोल मान लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक कंसिडर किया एक डाइपोल ये मान लिया हमने। अब क्या, एक कंपोनेंट इधर है पी साइन थीटा, तो डाइपोल मोमेंट है इसका मतलब वहां पे डाइपोल भी होगा, तो एक डाइपोल हमारा ये आ गया, हमारे ये दो डाइपोल आ गए, एक डाइपोल ये आ गया, एक डाइपोल ये आ गया। अब इस पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट इस वाले डाइपोल के क्या है, एक्सियल पॉइंट पे है, और इस वाले डाइपोल पे क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। ये डाइपोल हमारे इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया ना पी, कैसे था इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा, ये डाइपोल था उसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ही है, इसके परपेंडिकुलर ही है, तो क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया। अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है, हमारा जो एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट होता है, एक्सियल पे पॉइंट होता है डाइपोल के, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हमारी इस साइड आएगी, या इसको हम ई एक्सियल ए मान लिया इधर। और इक्वेटोरियल पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है उसके अपोजिट आती है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है, हमारी इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की डायरेक्शन किसके आएगी, इसके अपोजिट इस साइड में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ई परपेंडिकुलर। तो ई एक्सियल की डायरेक्शन इधर आ गई, ई परपेंडिकुलर की डायरेक्शन इधर आ गई। हमने क्या निकाली है, तो इन दो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, हमने इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, तो क्या था, ये दोनों है वो इसके कंपोनेंट है, मतलब कि इन दोनों कंपोनेंट का ये डायपोल मोमेंट इनका रिजल्टेंट है। तो इधर क्या होगा, जो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका रिजल्ट, इसका इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगी हमारी, मतलब कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, इस डायरेक्शन में आएगा ई नेट, मानिए ये अल्फा एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, एंगल तो बनेगा इसका, ये कंपोनेंट ही होगा, ये कंपोनेंट ही होगा, तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा यार, अल्फा एंगल बना रहा है। अब क्या निकालेंगे हम, इसकी वजह से डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पहले ई एक्सियल निकालेंगे और ये इक्वेटोरियल निकालेंगे। अब इनकी वैल्यू तो हमें पता है क्या थी, हमें निकाला था ई एक्सियल था वो क्या आया था हमारे पास, 2kP/r³। हम इसको आर मान लेते, हम सब में आर मान के चल रहे थे ना, पिछले जो दो आर्टिकल के उन्होंने हमने उनको आर माना है, तो इसको भी हम आर लेके चलते कि आर पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा ये r³। ये एक्सेल की वजह से आई थी और परपेंडिकुलर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की आई थी हमारी, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू kP/r³, यही आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या, हमारा जो डायपोल मोमेंट दे रखे हैं वो पी नहीं है, एक्सेल पे पी कोस थीटा और इक्वेटोरियल पे डायपोल मोमेंट हमारा पी साइन थीटा है, तो यहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एक्सेल पे आएगी 2pCos थीटा, और ये ई परपेंडिकुलर निकालेंगे उसमें आएगी हमारी kP/sin थीटा, ये दोनों वैल्यू आएगी हमारे पास, ई एक्सेल की भी आ गई, ई परपेंडिकुलर भी आ गई, ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में निकाली है। अब क्या हमें री रिजल्टेंट निकालना है, तो हमारा इनका रिजल्टेंट कैसे होता है, हमारा ई नेट क्या होगा, हमारा ई ए का स्क्वेयर प्लस का ई परपेंडिकुलर का स्क्वेयर और अंडर द रूट, रिजल्टेंट हम ऐसे ही निकालते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से भी डायरेक्ट, हमें क्वेश्चन दिया हो तो हमें डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं कि हमें पेपर में क्या दिया होगा, एग्जाम में क्या दिया होगा, हमें मोमेंट की डायपोल मोमेंट दिया होगा या फिर आर दिया होगा, थीटा दिया होगा, हम क्या उसे एक्सियल भी निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ से भी डायरेक्ट हो सकता है, अगर हम डायरेक्ट इससे आगे सोल्व करके फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्या है हमारा ई नेट इज इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुट करो, हमारी क्या वैल्यू थी ई एक्सेल की, क्या वैल्यू हमारी 2kP cos थीटा डिवाइड बाई r³, इसका क्या है हमारा स्क्वेयर प्लस का kP sin थीटा डिवाइड बाई r³ है, सॉरी r³, और इसका क्या है हमारा स्क्वेयर और पूरे का अंडर द रूट, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, हमारा ई नेट किसके इक्वल आएगा, ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा, हमारा kP और r³ कॉमन आ रहा है, तो पहले स्क्वेयर में से निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम स्क्वेयर में से निकालते बाद में कॉमन लेंगे, क्या आएगा हमारा k² p² डिवाइड बाय r³⁶, ये कर ले, अंदर क्या बचे हमारा 2cos θ² प्लस का इधर से क्या आएगा हमारा k² p² / r⁶, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा sin²θ, ये बच गया। अब क्या रूट में से निकालेंगे बाहर, तो ये क्या है दोनों टर्म दोनों में कौन सी लग, तो कॉमन बाहर आ जाएगी हमारी, तो क्या बचेगा हमारे पास k p / r³, हमारा कॉमन आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया हमारा
कोस केयर थीटा प्लस का साइंस केयर थीटा, ये हो गया। अब हमारे ई नेट सोल्व क्या आएगा, हमारा ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब है, ये आर क्यूब, और क्या बच गया, फोर कोस केयर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा। अगर हम इसको थ्री कोस केयर थीटा प्लस कोस थीटा लिख लें, मतलब कि इसको क्या लिख लेंगे हम, थ्री कोस केयर थीटा प्लस कोस केयर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसकी क्या वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कोस केयर थीटा प्लस साइंस केयर थीटा क्या होगा हमारा, वन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, थ्री कोस केयर थीटा प्लस वन। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारी, ई नेट की वैल्यू आ गई, मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारी, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वैल्यू आ गई हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डायग्राम पे चलते हैं, हमारे क्या हो गए, किस डायरेक्शन में हो गए वो देखते हैं। क्या आ रही है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है, जो ई ए के साथ उसके साथ क्या एंगल बना रही है हमारी, अल्फा एंगल बना रही है। तो जब हम अपना डायरेक्शन निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारा डायरेक्शन क्या होगा वो कैसे निकालेंगे हम, हम सब निकालेंगे हमारा टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन का ई एक्सियल, ये निकालेंगे हमारा ई, टेन अल्फा क्या होगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन ई एक्सियल होगा। तो यहाँ से टेन अल्फा की क्या वैल्यू आएगी हमारी, ई परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू थी हमारी, के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यू डिवाइड बाई, इसकी क्या वैल्यू थी हमारी, टू के पी साइन थीटा अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा साइन थीटा और जो एक्सियल है वो कोस थीटा है। तो क्या आएगा हमारा, ये टेन अल्फा की क्या वैल्यू आएगी हमारी, टू के पी, सॉरी टू नहीं, के पी साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। ये हमारी परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, हमारी एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी, टू के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, टेन अल्फा, टेन अल्फा की क्या वैल्यू आएगी हमारी, टेन अल्फा इज इक्वल टू के पी से के पी कैंसिल और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा अपॉन टू कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, टेन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू टेन थीटा। तो यहाँ से हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा क्या बता रहा था हमें, डायरेक्शन बता रहा था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी। तो हमें थीटा पता है, तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थीटा में गिवन होगा। और अगर हम ये तो हमारी वैसे इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया हमें क्या है, अगर हमें पूछे कि हमारा जो मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट है, उससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मतलब कि इस टाइप, ये तो क्या थी हमारी जो ये अल्फा वैल्यू है, ये क्या कैसी हमारी थीटा के बाद है, मतलब कि थीटा इसके बाद जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अल्फा, वो बता रहे थीटा के बाद कितनी डेविएट हो रही है, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। अगर हम टोटल डायरेक्शन निकालें, मतलब कि ये जो डायपोल है इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी, मतलब कि जो हमारा डायपोल मोमेंट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो क्या होगा, डायपोल इधर है हमारा, तो क्या पहले थीटा और फिर बाद में अल्फा एंगल आ रहा है। तो हमारा जो टोटल हमारी जो नेट डायरेक्शन आएगी, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डायपोल, उससे क्या आ गया हमारी थीटा प्लस अल्फा, ये होगी हमारी टोटल डायरेक्शन, मतलब कि डायपोल से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या हमारी थीटा प्लस अल्फा डायरेक्शन है। और हमें जो हमारा जो रिजल्ट आया है, क्या है हमारा, ई नेट इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब थ्री कोस स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये हमारा क्या है, एट एनी पॉइंट पे आया है ना। अगर हम इससे इसको वेरीफाई करके देखें, अगर हम इससे इक्विटोरियल और एक्सियल निकालेंगे तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, हम देखते हैं। हमारा जब एक्सियल पे होगा, एक्सियल का मतलब हमारा थीटा किसकी वैल्यू होगा, एक्सियल पे क्या आएगा, इस डायपोल के इधर आएगा एक्सियल पॉइंट, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो होगी। तो इसमें हम थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हमारा एक्सियल पे निकाल दें तो क्या आएगी हमारी, के पी अपॉन आर क्यूब, थीटा की वैल्यू क्या, जीरो पुट करेंगे, कोस जीरो वन, तो थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से फोर का अंडर रूट लेंगे तो टू, टू के पी बाई आर क्यू, यही वैल्यू हमने एक्सियल पॉइंट पे वैसे निकाली थी तब आया था। अब हम ई परपेंडिकुलर निकालने, मान लें कि जो ये हमारा पॉइंट है, थीटा की वैल्यू कितनी हमारी 90 है, मतलब कि परपेंडिकुलर है ये पॉइंट, तो ई परपेंडिकुलर कोस 90 कितना होता है हमारा, जीरो, तो क्या बचेगा रूट में वन। तो हमारी
इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, के पी बाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो ये एक्सियल आ रहा है, 90 पुट करें तो हमारा ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो मतलब इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हमारा पॉइंट चाहे वो किधर भी हो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने क्या किया इसमें, एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमने क्या किया, एक डाइपोल कंसिडर किया, वो क्या है, एक पॉइंट मान लिया हमने पॉइंट पी, उसकी डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से आर है, और थीटा एंगल है। और थीटा एंगल कैसे कंसिडर करते हैं हम, डायपोल की डायरेक्शन देखो, पहले डायपोल की डायरेक्शन कैसे होते हैं हमारी, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, फिर उससे हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, डायपोल की डायरेक्शन ये है, अब इससे हम एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, वो हमारे थीटा की वैल्यू होगी। अगर मान लो हमारा ये डायपोल दे रखा था माइनस प्लस, ये अगर हमें पॉइंट इधर दे दिया, ये पॉइंट दे दे, ये एक्स हमें आ रही है, हमें डिस्टेंस दे, तो ये थीटा में ये कंसिडर नहीं कर रहा, हमारी डायपोल की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, तो क्या इससे नेगेटिव एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे, तो थीटा हमारा ये होगा ना कि ये होगा। तो थीटा हम ऐसे कंसिडर करते हैं। फिर क्या किया हमने, जो हमारा डायपोल मोमेंट था पी, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, पी कोस थीटा, पी साइन थीटा। अब पी कोस थीटा के पॉइंट का एक्सियल पे है, तो एक हमने डायपोल इमेजिन कर लिया, ये डायपोल है हमारा, इस पे ये पॉइंट पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सियल पॉइंट पे पता है, वो हमें पता है, तब क्या है इक्विटोरियल, एक हमने ये कंपोनेंट आया, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये पॉइंट इस डायपोल मोमेंट के इक्विटोरियल पॉइंट पे, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें, ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगी, एक्सेल इस डायरेक्शन में आएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे इन दोनों का रिजल्टेंट बताएगा। हमने ये रिजल्टेंट निकाल लिया, अब क्या डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टेन अल्फा से निकालेंगे, ये इसके साथ क्या अल्फा एंगल बना रही है, तो हमारा टेन अल्फा निकाले, थीटा पता हमें, डायरेक्शन निकल जाएगी, हम इलेक्ट्रिक डायपोल से इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे निकालेंगे हम, थीटा प्लस अल्फा, वो क्या होगी हमारी डायपोल से इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इससे अच्छे से करना, इससे हम दोनों डायपोल जो हमारे ये एक्सेल है ये परपेंडिकुलर, उनकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।